हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में कि पंजाब टीम से क्या बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। जैसा कि पंजाब टीम का चौथा मैच है गुजरात टाइटंस के खिलाफ और ये मैच खेलेगी पंजाब की टीम 8 अप्रैल को ब्रेबोर्नी स्टेडियम पर। ब्रेबोर्नी स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर पंजाब की टीम अपना पिछला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेल चुकी है और यहाँ पर जीत करा रही है पंजाब की टीम। इसके अलावा पंजाब टीम के प्लेइंग 11 में कौन सा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और किस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है पिछले 3 मैचों में, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप भी पंजाब टीम के और क्रिकेट के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहले वेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि 8 अप्रैल को पंजाब टीम का चौथा मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ है और ये मैच पंजाब टीम का ब्रेबोर्नी स्टेडियम पर खेला जाएगा। ब्रेबोर्नी स्टेडियम की बात करें तो आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्राउंड पर छक्के लगे तो वो स्टेडियम है डीवाई पाटिल स्टेडियम। उसके बाद अगर कोई स्टेडियम आता है तो वो है ब्रेबोर्नी स्टेडियम। ऐसे में पंजाब टीम की बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आईपीएल 2022 में। तो हो सकता है अगर पंजाब की टीम पहले बैटिंग करती है तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है तीसरे मैच की तरह, क्योंकि तीसरा मैच भी चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ पंजाब की टीम इसी ग्राउंड पर खेली थी और 180 रनों का टारगेट दी थी चेन्नई सुपर किंग को। हालांकि उस मैच में और थोड़ा 20-25 रन ज़्यादा बना सकती थी पंजाब की टीम, पर कहीं ना कहीं मिड ऑर्डर में लियम लिविंगस्टन के आउट होने के बाद कोई भी बैट्समैन चला नहीं। जितेश शर्मा थोड़े 26 रनों की पारी खेली थी, छोटी पारी। उसके अलावा सब फ्लॉप रहे थे, खास करके शाहरुख खान, इनसे ज़्यादा उम्मीद थी, पर ये दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं। और बैटिंग काफ़ी जल्दी आ गई थी, 9 से 10 ओवर बचे थे। इनके चांसेस लग रहे कि पंजाब की टीम इनको बाहर करे। खैर, 9 करोड़ रुपये में पंजाब की टीम इनको अपने टीम में ली है तो हो सकता है एक और मौका दे, पर ये दूसरे और तीसरे मैच में फ्लॉप रहे थे और काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस किया था। खैर, अभी ये जब अपडेट्स आएंगे तो मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। अब वेन्यू के टॉपिक पर आ जाते हैं। वेन्यू की बात करें तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा छक्के आईपीएल 2022 में डीवाई पाटिल स्टेडियम पर लगे हैं, उसके बाद ब्रेबोर्नी स्टेडियम पर। और पंजाब टीम की बात करें तो पंजाब टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा किसी खिलाड़ी ने छक्के मारे हैं तो वो खिलाड़ी है भानु राजपक्षा और इसके अलावा लियम लिविंगस्टन। ये दोनों ही खिलाड़ियों ने 8-8 छक्के मारे हैं आईपीएल 2022 में और लियम लिविंगस्टन ने पिछले मैच में 5 छक्के मारे थे। तो आप सभी लोगों को बता दूँ, इस मैच में भी पंजाब की टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। हालांकि टॉस जीत के पंजाब की टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी और इसके अलावा और कोई भी टीम रहेगी, गुजरात टाइटंस की बात करें और आईपीएल की और भी जो टीमें हैं इस साल आईपीएल 2022 के सीजन में टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना पसंद कर रही हैं, क्योंकि हर एक टीम को चेस करना काफ़ी आसान पड़ रहा है। और इसके अलावा अगर कोई भी टीम बड़ा स्कोर भी पहले खड़ा कर रही है तो डिफेंड भी कर ले रही है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पर अगर पंजाब टीम की बात करें तो पंजाब की टीम भी पहला मैच जो आरसीबी टीम में खिलाफ था उसमें 206 रनों का लक्ष्य काफ़ी आसानी से चेस कर ली थी, 1 ओवर शेष रहते। तो ऐसे में आप सभी लोग का तो इस मैच पर हाई स्कोरिंग हमें दिखेगा मैच और कहीं ना कहीं दोनों टीमों में से अगर जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। 172-180 का स्कोर हमें दिख सकता है इस ग्राउंड पर। हालांकि दोनों ही टीमें इसके ऊपर भी बना सकती हैं, 200 रन भी बना सकती हैं पहले पारी में बल्लेबाजी करते हुए, खास करके पंजाब की टीम, क्योंकि बल्लेबाजी ही पंजाब टीम की स्ट्रेंथ मानी जा रही है आईपीएल 2022 में। इसके अलावा गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी हुई है तीसरे मैच में। तो ऐसे में पंजाब टीम के लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस ग्राउंड पर पंजाब की टीम खेल कर आ रही है। तो ऐसे में पंजाब टीम के चांसेस तो लग रहे जीतने के, पर गेंदबाजी सामने वाली टीम की काफ़ी स्ट्रांग है गुजरात टाइटंस की। तो ऐसे में जो मुकाबला है 50-50 का रहेगा, पर पंजाब की टीम ज़्यादा स्ट्रांग आनी जा रही है। अगर चेस करती है पंजाब की टीम तो डेफिनेटली हो सकता है पंजाब की टीम इस मैच को काफ़ी आसान तरीके से जीत ले, क्योंकि पंजाब टीम की स्ट्रेंथ उनकी बल्लेबाजी और बल्लेबाजी काफ़ी गहराई दिख रही है आईपीएल 2022 में। इसके अलावा आप सभी लोग बता दो, पंजाब टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल, इनके तरफ से भी कोई अभी तक बड़ी पारी निकल कर नहीं आई है। दूसरे और तीसरे मैच में पूरी तरह से ये फ्लॉप रहे थे शाहरुख खान की तरह। अब आप सभी लोग को बता दूँ, दूसरे मैच में ओपनिंग करने आए थे उसमें भी उमेश यादव ने इनको जल्दी आउट कर दिया था। तीसरे मैच की बात करें तो तीसरे मैच में भी इनका विकेट जल्दी गिर गया था। ऐसे में आप सभी लोगों को बता दूं, इनसे उम्मीदें हैं कि चौथे मैच में कुछ बड़ा स्कोर खड़ा करें, क्योंकि इनके फॉर्म से पंजाब टीम को काफ़ी फायदा होगा और प्लस ये पंजाब टीम के नए कप्तान हैं, थोड़ा प्रेशर दिख रहा है कप्तानी का। पर कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल को परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा, कप्तानी का प्रेशर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस की वजह से ही पंजाब टीम को काफ़ी फायदा होने वाला है। क्योंकि ये जब केएल राहुल के साथ खेलते थे तो एक अच्छी स्टार देते थे, 100 रनों की पार्टनरशिप करते थे। ऐसे में शिखर धवन के साथ भी इनको थोड़ा करना पड़ेगा, हालांकि अभी 3 ही 4 मैचेस हुए, आगे के मैचेस में ये परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि खिलाड़ी काफ़ी अच्छे हैं मयंक अग्रवाल।
तो आप सभी लोग को जाते जाते बता दूं, पंजाब टीम इस ग्राउंड पर काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है और काफ़ी छक्के चौके लग सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बता सकते हैं कि पंजाब टीम की तरफ से कौन सा खिलाड़ी इस मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आप सभी लोगों को देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।